हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टडी करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब तक हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है। जब फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होगा। इसलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ये नेशनल सेंचुरी बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाया गया है, और जो हंटिंग करने का जो सिस्टम है उस पर से जो है रेगुलेशन बनाए गए हैं कि किस तरह से जो हंटिंग नहीं करना है, करना है, इस पर जो है गवर्नमेंट जो अपना एक्शन ली है। तो वहीं आज हम लोगों को पढ़ना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कहता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। व्हेन ए फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। जब फॉरेस्ट ही अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे या फिर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। इसलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कौन कौन से स्टेप हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट में हैबिटेट कंजर्वेशन, हंटिंग रेगुलेशंस, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स जैसे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्ट हो सकें। तो नेशनल पार्क किसको कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।